हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.IN। सो गाइस, हम अपनी जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर BLED सेकेंड ईयर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा था लर्निंग, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ईयर थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था ऑन लर्निंग वो कवर किया था। आज हम उनके कुछ लॉज को देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर हम दो सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, कॉग्निशन एंड लर्निंग विच इज़ इन DU एंड BU, और डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग जो कि LU और MJ PRU में है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज में जो ये टॉपिक है लर्निंग, वहाँ पर ये वीडियो रिकमेंडेड है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड इक्वली आपके TETs में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आप देंगे CTET या UPTET का जो एग्ज़ाम्स आप देंगे वहाँ के लिए भी ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि दो तरह के लॉज, एक प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज दिए हैं ईयर थॉर्नडाइक ने, जिसको हम नियम कहते हैं अधिगम के। ठीक है, कि किस तरह से जो एक लर्निंग की प्रोसेस है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी हैं, और किस हिसाब से ये लॉज वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, और हम उस प्रोसेस में जाते हैं और लर्निंग को अच्छी तरह से करते हैं या फिर किस तरह से होती है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं, और यही इन्होंने बताया है। तो जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने लॉज, डिफरेंट डिफरेंट लॉज निकाले हैं लर्निंग के, लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड हैं वो हैं ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा, जो उन्होंने ये लॉज दिए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बात करी थी इन्होंने स्ट्यूमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी के बारे में समझाया था, जो कि एक कनेक्शनिज्म की थ्योरी है, जहाँ पर स्ट्यूमुलस जो एनवायरमेंट होता है हमारे पर प्रभाव डालता है, और उस प्रभाव पर हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स करने पर वो हमको बाध्य करता है, और जब हम रिस्पॉन्स कर देते हैं तो हमारी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें हम एंटर कर जाते हैं और एक कनेक्शन बन जाता है उस एनवायरनमेंट और हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, जिसे हम एक बॉन्ड कहते हैं या फिर बॉन्ड कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल एक कनेक्शन हम बात करते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, और जो स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे आसपास, चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम उस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा करें। ठीक है, जो हमारे पास आसपास का एनवायरनमेंट है अगर कुछ इंटरेस्टिंग है हमारे हिसाब से, अगर वो ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है, हो सकता है कि वही सेम एनवायरनमेंट दो लोगों पे अलग अलग तरह से काम करे। ठीक है, एक पर वही स्ट्यूमुलस बहुत तेज़ी से किसी पर प्रभाव डाले तो वो उसे उतनी ही तेज़ी से वो रिस्पॉन्स करेगा, और हो सकता है कि वैसा ही वही एटमॉस्फेयर, वही एनवायरनमेंट किसी दूसरे व्यक्ति पर इतना प्रभावित ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो लॉस पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में एक है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, और सेकेंडरी में हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, मेंटल सेट और एटीट्यूड, कुछ प्रीपेटेंसी एलिमेंट्स, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एनालॉजी क्या होती है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम में आएगा ही आएगा, और अगर ईयर थॉर्नडाइक की जो भी थ्योरी है वो आती है तो आपको ये लिखने ही है। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाती जाऊँगी, उसके बाद आपका काम क्या होगा, नोट्स बनाना है, इसको ये जो पैराग्राफ्स लिखे हैं इनको रीड करना और समझना। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी लॉज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लॉज हैं, इनके बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती, और ये ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लर्निंग की प्रोसेस में। जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, तो रेडीनेस का मतलब क्या होता है हम इसको पहले समझते हैं, कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान है तो वो कितना आतुर है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर आपकी अंदर से इच्छा ही नहीं है कोई चीज़ सीखने की, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, भगवान नीचे उतर जाए, आप नहीं लर्न करेंगे। ठीक है, तो रेडीनेस का मतलब होता है जब तक आप तैयार नहीं हैं, आप मेंटली सीखने के लिए चीज़ों को तैयार नहीं हैं, तो कोई भी कंडीशंस आपको नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ये प्राइमरी लॉ है, क्योंकि जब आप की इच्छा ही नहीं है, पहला स्टेप ही आपका ख़त्म है, तो फिर आप क्या लर्निंग की प्रोसेस के थ्रू बढ़ेंगे। आपको पता है जैसे टीचर्स हैं क्लासरूम में, वो क्या करते हैं, जब क्लासरूम में आते हैं तो बच्चों से शुरू में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिससे कि क्या है कि एक उनके अंदर एनर्जी आए। ठीक है, उनके एक एनर्जी डेवलप हो शुरू में, जिससे कि थ्रू आउट क्लास वो लर्न करने की इच्छा रखें, चीज़ों को समझने की इच्छा रखें, और जो टीचर पढ़ाए उसको समझने की इच्छा रखें। ठीक है, और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो एनर्जाइज हो जाएं, इन द बिगनिंग ओनली टिल द एंड, जिससे कि वो एक बढ़िया, एक पूरा एनर्जेटिक माहौल वहाँ पर बना रहे। और आपको पता है जैसे हम अगर जैसे कोई भी, मैं ये आपको समझा रही हूँ, अगर आपने बुक से ये पहले पढ़ा है एंड देन फिर आप ये लेक्चर ले रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आपको आ जाती हैं। तो दिस इज़ वॉट इज़ लॉ ऑफ रीडनेस। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान है, जो पर्टिकुलर सीखना चाह रहा है, वो कितना उसको
सीखने का इंटरेस्ट है, कितना वो अंदर से इच्छा रखता है सीखने के, दिस इज वॉट इज लॉ ऑफ रीडिनेस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। आपको पता है जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम परफेक्ट बनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो बिल्कुल, अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो वो क्या है, वो बस जाती हैं चीज़ें, उसमें हम और स्किल्ड हो जाते हैं, उसमें हम मास्टरी गेन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ लर्निंग का, कि अगर हम लर्निंग करना चाहते हैं और एक बेहतर लर्निंग करना चाहते हैं तो हमें बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेशन करना है। आपको पता है कितना रिविजन करते हैं, क्यों करते हैं, सो दैट हम उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएं, हम आगे तक उसको याद कर सकें और आगे एक इफेक्टिव रिजल्ट, या फिर अगर हमारा मोटिव आंसर राइटिंग है तो हम उसको अच्छे से आंसर राइटिंग उसकी कर सकें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जे एन सिन्हा, कीपिंग अदर कंडीशंस कॉन्स्टेंट व्हेनेवर अ चेंजेबल रिलेशन इज एक्सरसाइज बिटवीन अ सिचुएशन एंड अ रिस्पॉन्स इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हमारे आसपास काम कर रहा होता है और जो चीज़ हमें एनर्जाइज करती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उस पर हम रिस्पॉन्स करने के बाद अगर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर हम मास्टरी गेन कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके, जिससे कि जो चीज़ है जो लर्न हमने करी है वो बहुत देर तक हमारे साथ रहे। यहाँ पर हम दो चीज़ें बात करते हैं इसी के अंदर, एक होता है लॉ ऑफ यूज़, एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज़। तो लॉ ऑफ यूज़ में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और अगर आप उसको डेली क्या है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको डेली चोट लग रही है लेकिन आप उठ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल लगे हैं, आप स्किप नहीं कर रहे, पीछे नहीं हट रहे, तो क्या है वो चीज़ आपके डेली डेली करिकुलम में आ जाएगी और वो चीज़ें आप लर्न करने लग जाएंगे बेहतर, वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज़, क्योंकि वो आप डेली डेली उसको कर रहे हैं, डेली उसमें मास्टरी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वो क्या आपके करिकुलम में आ जाएगी और चीज़ों आपको जल्दी याद होंगी और कोई भी चीज़ है वो जल्दी आप सीख जाएंगे। जैसे कि राइडिंग बाइसिकल, बहुत बार इंसान बच्चा ट्राई करता है, गिरता है, उसको लगती है लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, तो वो चीज़ उसके यूज़ में रहती है, वो उसके आसपास डेली रहती है। और अगर हम लॉ ऑफ डिसयूज़ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए साइकिल चलाना सीख गए, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक दो साल तक नहीं चलाई तो फिर क्या होगा, उसके बाद आप उन चीज़ों को भूलने लगेंगे, तो वो एक तरह से चीज़ें निकल जाएंगी आपके पास से। तो इस वजह से क्या है कि आपको डेली एक प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो वो डिसयूज़ हो जाती, डिसयूज़ में आ जाती हैं चीज़ें। मतलब अगर आप किसी चीज़ में मास्टरी गेन करना चाहते हैं लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, धीमे धीमे वो स्किल्स डीके होने लगेंगे और आपके दिमाग से निकल जाएंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए सक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीज़ें हमें नहीं आ रही होती हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि वो आसपास हमारे बनी रहें और एक लर्निंग के जो प्रोसेस है उसमें हम अच्छे से ढल पाएँ और उस चीज़ को अच्छे से याद कर पाएँ, लर्न कर पाएँ और अपनी जो लाइफ है उसमें उसको उतार पाएँ। इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं डेली होमवर्क देते हैं सो दैट चीज़ें आपको, डेली होमवर्क हमें क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है कि हम उससे डिटैच ना हो जाएं, कहीं हम उस लर्निंग के प्रोसेस से हट ना जाएं। अगर हमें होमवर्क मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा कि हम उस चीज़ की आदत से ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुछ समय बाद अगर हमें मिलेगा भी तो हमें करने का मन नहीं करेगा उस प्रोसेस से, क्योंकि हम हट गए होते हैं। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिसयूज़। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रही है चीज़ें, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन की बात है, एक इफेक्ट की बात हो रही है कि पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिव इफेक्ट है। यहाँ पर ज़्यादा रीइंफोर्समेंट पर काम किया जाता है जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कि क्या, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर उसने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और उसने अपने पेरेंट्स को दिखाई तो अगर पेरेंट्स ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो उस पर क्या हुआ, उसके माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा उस चीज़ को, उसको शाबाशी मिली या फिर उसको चॉकलेट मिली, तो उसे ये समझ में आएगा कि हाँ शायद उसने जो काम किया है, उसने जो ड्राइंग बनाई है वो उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने कुछ अच्छी लर्निंग करी है, तो वो उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा कुछ काम करता है और अगर हम उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो उसे ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये काम गलत है, शायद उसने कुछ गलत काम किया है, तो उसको डरेगा वो करने में, तो क्या होगा, उसकी वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। हो सकता है कभी कभी वो अच्छा भी काम कर रहा हो और अगर पेरेंट्स उसको निगलेक्ट करते हैं, आसपास के लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है उसके दिमाग में वो डर बैठ जाता है चीज़ों को लेकर, फिर वो डरता है उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने में। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसलिए एक जो रीइंफोर्समेंट है, जो हमारे स्कूल में कॉलेजेस में टेस्ट होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं, जिससे कि वो हों, हम खुद को एनालाइज करें और हम अपनी इंटरेस्ट की फील्ड को पता कर सकें कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे रिजल्ट से हमको पता चलेगा कि यस
हम कितने इंटरेस्टेड हैं और फिर उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। रिजल्ट देख के हमें कितनी खुशी होती है कि नहीं हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए या फिर कुछ भी, तो हम पता चलता है हमको कि हाँ हम भी कर सकते हैं और आगे हम उसको जिसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर हमारा रिजल्ट क्या है बहुत बुरा आता है तो हम क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम उसको फिर छोड़ते हैं कि छोड़ दो पढ़ाई हमें नहीं, हमसे नहीं होगी, या फिर कोई भी एक्टिविटी अगर नहीं हो रही तो हमसे नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। जहाँ पर आपको प्लेजर मिलता है, जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जहाँ पर आपको कोई नीचे ऐसे लो एनर्जी फील होती है, फिर कोई आपको डीमोटिवेट करता है, कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और आप सोचते हैं कि नहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है हमारी लर्निंग पे और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। तो ये थे प्राइमरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में हम देखेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट हैं, जो 5 लॉज और उन्होंने बताए हैं लर्निंग की प्रक्रिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूज़ होते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस पहला है। तो यहाँ पर जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी देखिए ऐसी सिचुएशन है हमारे आसपास और उस पर क्या है कि हम बार बार रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक ऐसी कंडीशन आ रही है, अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं बार बार उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हैं, बार बार उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हम ट्रायल एंड एरर की यहाँ पर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हम बार बार किसी चीज़ पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम फेल हो रहे हैं तो हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि वो बिल्ली ने किया था, ठीक है, बिल्ली म्याओं ने किया था, क्या किया था उसने कि पहले उसने हाथ पैर पटके, इधर उधर पटके, कई बार पटके, जब उसको पता चला कि फिर जब लीवर पे पटकने से पैर वो लीवर वो जो गेट है वो खुल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, तो क्या किया उसने यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिखाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर उसको एट दी एंड क्या समझ में आया कि अगर उसको लीवर पर प्रेस वो करेगी एक बार में तो उसको खाना मिल जाएगा। तो उसने क्या हुआ यहाँ पर उसने सीख ली चीज़ों को, उसने लर्न कर लिया कैसे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करके। गलतियाँ हम करेंगे, जितनी गलतियाँ हम करते हैं उनसे हम सीखते हैं। तो गलतियाँ कब काम आती हैं, जब हम उनसे कुछ सीख लेते हैं। अगर वो बिल्ली क्या करती है कि बार बार ही वो अगर हाथ पर इधर उधर पटकती तो क्या होता, उसने मतलब कुछ सीखा ही नहीं, उसने कुछ लर्न ही नहीं किया। तो ये बात है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब हम ढेर सारी गलतियाँ करते हैं और फिर सीखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितनी ऐसी लिस्ट है, कितने ऐसे पॉइंट हैं जो हमने गलती करी और जो हमें अब नहीं दोहरानी है। तो हमारे राइट पाथ पर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमारी सक्सेस के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब हम मिस्टेक्स से अपनी क्या करते हैं सीखते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे एक जो हमारा बिहेवियर, एक जो हमारा नेचर है किसी भी चीज़ को लेकर के, हम कितना ज़्यादा तैयार हैं किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, हमारे अंदर क्या एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर, क्या वो एनवायरनमेंट जो हमें उत्तेजना हमारे अंदर ला रहा है, वो जो एक स्टिमुलस हमारे आसपास हमारे क्रिएट कर रहा है, तो हमारा उस चीज़ पर उस सिचुएशन पे क्या हमारा एटीट्यूड है, क्या हमारा मेंटल सेट है, हमें किस क्या हम बिहेवियर शो कर रहे हैं उस चीज़ पर, कि हम कितने आतुर हैं उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करने के लिए या फिर हम नहीं हैं, ठीक है। अगर क्या है कि अगर वो हमारे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की चीज़ होगी या फिर हमारे इंटरेस्ट की चीज़ होगी तो हम क्या होगा, हमारा मेंटल सेट क्या कहेगा कि नहीं नहीं ये हमारे काम की चीज़ है, इस पर हम जरूर रिस्पॉन्स करते हैं, इस पर हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उस पर आप ज़्यादा एक अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। और मोस्टली वो डिपेंड करेगा आपके प्रीवियसली जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर भी, किस तरह से आप में कितनी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को लेकर, कितनी एक आप डिज़ायरेबल चीज़ें अपने आसपास देखना चाहते हैं, क्या ऐसी कंडीशंस आप क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो उस स्टिमुलस पर। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंटल सेट और एटीट्यूड, के हम कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए और मेंटली हम कितने प्रिपेयर हैं, ठीक। कभी कभी हम प्रिपेयर नहीं होते, भले ही वो चीज़ आसान हो तो हम लर्न नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, प्रिपेयर उस चीज़ को लेकर कि नहीं कोई भी चीज़ हम कर लेंगे, हम उसको सीख लेंगे, हम लर्न कर लेंगे, तो चाहे जितने भी फिर मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट टास्क क्यों ना, हम क्या करते हैं अगर हमारा बिहेवियर वैसा हमने बना लिया तो हम उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्टिव रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब समझिए क्या है कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि हमें जो एक होता है ना ट्रांसफ़र ऑफ जो भी मटेरियल होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चीज़ें हेरिडिटी एज हेरिडिटी जो हमारे अंदर ट्रांसमिट होती हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि हमारे इंटरेस्ट किस हिसाब से है, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हो सकता है कि हम उस पर रिस्पॉन्स ना करें और कुछ हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट हम उस पर रिस्पॉन्स करें।
तो ये एक यहाँ पर सेलेक्टिव रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन जो हमें खुद से जोड़ेंगी, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है या फिर हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ये एक बात होती है जहाँ पर हम चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे हो। सकता है हमारे किसी फील्ड में कोई हमें ज़बरदस्ती लर्न कराने की कोशिश कर रहा हो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम रिस्पॉन्स देने में उसमें पीछे हटेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं लग रही हमको, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो दिस इज़ व्हाट इज सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर हम अपने हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जो हमारे हमको इंटरेस्ट करता है, ठीक है, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है या फिर जिस चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली हम उसको पहले उस तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा चूज़ करने या उसको लर्न करने के लिए ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। तो एनालॉजी यहाँ पर क्या है हमको ये समझना है, यहाँ पर हमें ये समझना है एनालॉजी का मतलब कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी की बात हो रही है दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में हम बहुत फैमिलियर हैं चीज़ों को लेकर। आपने देखा होगा अक्सर जब क्लास में टीचर पढ़ाने आते हैं और वो कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले उस टॉपिक से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जबकि उन्होंने अभी वो टॉपिक पढ़ाया नहीं होता, ना ही स्टार्ट किया होता, लेकिन वो क्या है, शुरू में आते ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। क्यों करते हैं? हमें आती है गुस्सा कि अभी पढ़ाया नहीं है एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है, क्या है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप उस टॉपिक से कितना जुड़े हुए हो, कितना आप पहले से कनेक्टेड हो उस चीज़ से। क्योंकि अगर आप कनेक्टेड होंगे तो अगर वो आगे समझाएंगे आपको तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रीवियसली अपनी जो नॉलेज है आपकी उस टॉपिक पर उसको आप आगे शिफ्ट करके उसको सच समझ पाओगे। लेकिन टीचर को ये कैसे पता चले कि आपको आता है नहीं, इसलिए वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज पहले है, तो वो उस हिसाब से आपको आगे समझाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं उसमें तो फिर उसको वो अपने एक अलग ही लेवल पर उनको समझाना पड़ेगा, जिससे कि फिर आप आगे उस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ एनालॉजी। जहाँ पर एक साइकिल और हम बाइक चलाने या स्कूटी चलाने की बात करते हैं तो साइकिल में क्या होता है, पहले हमारा एक्सपीरियंस होता है क्या, किस चीज़ का, बैलेंसिंग का। तब उसी बैलेंसिंग के एक्सपीरियंस को हम, जो हमने चीज़ सीख ली होती है उस समय हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब हम स्कूटी या बाइक चलाने सीखने होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। यहाँ पर हमने प्रीवियसली जो असिमिलेटेड नॉलेज हमारे अंदर, जो हम पहले से सीख चुके हैं, जो हमारे अंदर है, उसको हम एक अपग्रेडेड लेवल पर ले जाएंगे और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारी प्रीवियसली जो लर्न हमारी चीज़ें हैं उसको हम नई सिचुएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक नई नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। तो इससे क्या होता है, चीज़ें और परमानेंट हो जाती हैं और हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यहाँ पर एज अ नेम सजेस्ट, तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, तो यहाँ पर जब कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हमें काफ़ी फैमिलियर लगती है, ठीक है, अगर पहले हमने कोई नॉलेज ले रखी और उसी से रिलेटेड कुछ आगे हमको सुनने को मिलता है, तो क्या होता है कि एक वो एसोसिएटिव शिफ्टिंग हमको देखने को मिलता है। मतलब जो प्रीवियसली हमारी जो गेन नॉलेज है और न्यू नॉलेज है, एक जो हम उसमें एस्टैब्लिशमेंट बिठाते हैं, ठीक है, एक जो हम बॉन्ड क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में, एक जो काफ़ी फैमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है, दैट इज़ व्हाट इज़ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा लेक्चर, एंड और भी डिटेल में जाने के लिए आप इसकी बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, कॉग्निशन एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, दोनों की बुक्स हैं। इंग्लिश में हिंदी में उससे आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ये लेक्चर्स और समझ में आएंगे। एंड अदर बुक्स भी आप ले सकते हैं बिल्कुल इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल्स की, एंड ई बुक अगर आप ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं बुक्स। एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज में 7055484788 पर, और ईमेल कर सकते हैं blednotes@gmail.com पर। सो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ उनको सुने, ये आगे BLED में प्लस आगे आपके TET एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, फ्रीक्वेंटली ये पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको प्लीज़ लाइक करें, डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप नए हैं तो बेल बटन ज़रूर दबा दें सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाएँ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट BLED.in। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care, all the best, and bye-bye.